नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोगों ने हमारे चेयरमैन डॉक्टर हैनगिल पार्क को सुना और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को बताई कि प्रोडक्ट कैसे वो कम कीमत का करने में कामयाब हुए। मैं आप लोगों को ये बिज़नेस कैसे करना है मैं उसके बारे में बताने आया हूँ, राइट। उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और फिर बाद में जो हमारा एट सिस्टम जो है वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा आप लोगों से। घड़ी का एड देखा है, सभी ने देखा होगा, अमिताभ बच्चन साहब उसका ऐड करते हैं और वो जब ऐड करते हैं वो ना साइंटिस्ट हैं ना अपने घर में कपड़ा धोते हैं, जो उनको पता पड़ा कि ये कपड़ा धोने से इस घड़ी से फर्क पड़ता है उसके बाद में भी उन्होंने ऐड कर दिया तो आपने परचेज कर लिया। लेकिन हम यहां कहते हैं पहले अपना प्रोडक्ट यूज करें, यूज करने के बाद सेटिस्फाई हों, सेटिस्फाई होने के बाद में परचेज करें और एक ऐड और करते हैं। अच्छा, उसका क्या फर्क होता है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक ऐड और करते हैं वंडर सीमेंट और उसमें आखिरी में बोलते हैं फर्क समझ में आएगा, सुना है? और बराबर आता है हमको, अभिषेक करे ना करे काम पैसा उसके घर जाता है, यही फर्क पड़ता है। अभिषेक करे ना करे लेकिन पैसा उसके घर जाता है, क्या हम लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही? वो क्या कर रहा है? केवल एड ही तो कर रहा है जबकि उसको कुछ नहीं मालूम है, लेकिन हम उसको देखकर यूज कर लेते हैं, राइट। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर मेरे पीछे दो पीढ़ी पीछे केवल एक काम कर लिया होता, कोई ना कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन कर ली होती मेरे फोर फादर ने, तो अगर जैसे हम कहते हैं ना कि क्रेडिट कार्ड पॉइंट मिलता है, क्रेडिट कार्ड पे छोटा छोटा पॉइंट मिलता है, उस क्रेडिट कार्ड से छोटे छोटे पॉइंट से क्या कर सकते हैं अपन, एक ट्रेन की टिकट या फ्लाइट बुक कर सकते हैं, बराबर। अभी जोमैटो चालू हुआ है, क्या करता है, आप उससे रेगुलर मील मंगाते हो, पॉइंट इकट्ठा होता है, एक मील आप उससे परचेस कर सकते हो। अगर मेरे फोर फादर ने अगर पीछे कोई ना कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अच्छी ज्वाइन कर ली होती तो आज की डेट में मैं काम नहीं भी करता तो भी एक मर्सिडीज का मालिक हो सकता था और रेगुलर इनकम का। तो जो चीज वो नहीं कर पाए वो मैंने यहां से शुरुआत करी और मैं कहता हूं आज मेरी बच्ची आज से 10 साल बाद बहुत सारे लोगों के बच्चे इस अलग अलग जगह पे अपने रिज्यूम्स देंगे, लेकिन वो जो है उस समय तक करोड़पति ऑटोमेटिकली होगी। अभी सावस्कर साहब का घर में एक मेहमान आने वाला है, करोड़पति पैदा होगा, डायरेक्ट पैदा होगा, फैक्ट है। पिताजी ने जो काम किया वो जो पिताजी ने काम किया वो उस बच्चे को मिलेगा। अभी हम जितना भी काम करते हैं वो केवल अकेले अकेले करने की प्रोसेस करते हैं, बट ये जो है टीम वर्क पे काम होता है, लोगों के साथ मिलके लोगों के लिए काम होता है। दूसरी कोई भी काम अगर आप देखोगे, कोई भी काम देखोगे, अगर एक दुकान डाल ली ना आपने, तो एक किराने की दुकान डाल ली, पता पड़ा सामने एक और किराने की दुकान आ गई, वहां टांग खींचने का काम हो रहा है। दोस्त एक बात क्लियर है, टांग खींचने के लिए हमेशा व्यक्ति को नीचे खड़े होना पड़ेगा तभी वो टांग खींच पाएगा, और हाथ पकड़ के ऊपर उठाने के लिए आदमी को ऊपर रहना पड़ेगा। हम लोग वो काम कर रहे हैं, हाथ ऊपर पकड़ के ऊपर खींच रहे हैं। अब इसमें सर ने ये बता तो दिया कि क्या है, मैं आपको इसकी कोर कुछ स्टेप्स हैं
वो जरूर बताऊंगा, जिससे आपको ये पता पड़ जाएगा कि इसमें करना क्या है। अभी तक इतना समझ में आया, बहुत सारी चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती, लेकिन हम उसको रेगुलर देखते हैं तो ऑटोमेटिकली समझ में आती है। मैं कोर स्टेप्स की बात कर रहा हूँ कि हमको क्या करना होगा। ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमें करना होगा। सबसे पहले तो हमें गोल्स सेट करना होगा, और उससे पहले हमको ये मानना होगा कि ये हमारी कंपनी है। अभी तक हमको ऐसा लगता है कि हम दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, हमारी अपलाइन के लिए काम कर रहे हैं। जिस दिन हम ये मान लेंगे कि ये कंपनी हमारी है, ये कंपनी हमारी है, तब हम एक्चुअल काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको सेट करना होगा गोल। जो भी गोल आपने प्लान किया होगा वो गोल सेट कीजिए। गोल सेट करने के बाद में सेकंड चीज आती है कि जो प्रोडक्ट आपने प्रोडक्ट परचेस किया है, परचेस करने के बाद उसको यूज किया है, यूज करने के बाद में अगर आप सेटिस्फाई हैं तो ही किसी को रिकमेंड करें। और हम जानते हैं कोई भी व्यक्ति अगर एटोमी के प्रोडक्ट यूज करता है वो 1000% सेटिस्फाई रहता है, क्योंकि उस लेवल के प्रोडक्ट है। तो हमको प्रोडक्ट के बारे में बताना है नॉर्मल तरीके से, लेमन लैंग्वेज में मैं बताऊं। हम कहीं शादी में जाते हैं और कोई सब्जी, कोई मिठाई, कुछ चीज़ हमको उस 10-15 डिश में जो समझ में आती है वही हम रिकमेंड करते हैं अपने। सेम काम करना है, नया कुछ नहीं करना, सेम काम करना है। जो चीज़ आपको पसंद आ गई वो रिकमेंड कर दीजिए। तो टॉक अबाउट प्रोडक्ट, यानी कि उसको रिकमेंड करना। थर्ड में हम देखें मेकिंग लिस्ट। हमको एक लिस्ट मेकिंग करना होगी, किन लोगों की? हमको उन लोगों की लिस्ट मेकिंग करना होगी जो व्यक्ति जिसको हम जानते हैं, जिसको हम चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़े, जिसको हम चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़े। हमको उन लोगों की लिस्ट तैयार करनी होगी। और एक बार हमारी लिस्ट तैयार होती है, जैसे लोग बाग से बात करो ना तो बोलते हैं, मेरे को भी प्रॉब्लम आई थी शुरू में, जब मैंने काम स्टार्ट किया था प्रॉब्लम आई थी, हर किसी को आती है। हमसे दो नहीं आ पाएंगे, मैं उनसे एक ही बात कहता था, जब एक व्यक्ति मर जाता है, जब एक व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहता है, वो नहीं रहने के बाद में हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता, चार लोगों को ढूंढ लेता है जिस कंधे पे वो जाता है। एक मरा हुआ इंसान चार लोगों को ढूंढ सकता है तो आप तो जिंदा हो। क्या आप जिंदा हो? हमें मानना होगा कि हम जिंदा हैं, और अभी बहुत सारी जिंदगी बाकी है। अब कैसे जीना है वो आपको डिसाइड करना है। वही टुकड़ों में, वही एडजस्टमेंट, या फिर एक लग्जरी लाइफ, एक लाइफस्टाइल जो लोग बाग देख के बोले कि यार ऐसा जीना है, राइट? तो हमको एक लिस्ट तैयार करनी है। बहुत आसान है, मोबाइल में बहुत सारी चीजें। लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो वो आपकी, आपको मरने नहीं देगी। जैसे हम कहते हैं ना, गाड़ी में पेट्रोल, अगर आपके गाड़ी में पेट्रोल है तो ऑटोमेटिकली आप लंबे दूरी तक जा सकते हो, पेट्रोल खत्म आप रुक जाते हो, राइट? तो एक लंबी लिस्ट आप तैयार करें। दूसरा हम बात करते हैं कि मेक अ फोन कॉल। जिसकी लिस्ट तैयार की है उनसे हम लोगों को बात करना है। क्या बात करना है? हमको यही बात करना है कि आप लोग भी अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हो इस प्रोडक्ट को यूज करके। अच्छा, नया कुछ भी नहीं करना है, ऑलरेडी वो शैम्पू करता है, ऑलरेडी वो फेस वॉश करता है, ऑलरेडी वो नहाता है, ऑलरेडी वो ब्रश करता है। हर व्यक्ति ये सारे काम करता है। आपको सिर्फ ये कहना है कि जो आप अनब्रांडेड चीज यूज कर रहे हो, जो केमिकल युक्त यूज कर रहे हो, वो आप ये प्रोडक्ट यूज करो, आपको डेफिनेटली उसका फायदा मिलेगा। इतनी बात करना, अच्छे की तरफ ले जा रहे हैं, बुरे की तरफ नहीं ले जा रहे, राइट? तो फोन कॉल करना है। उसके बाद में पांचवें नंबर पे बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान बताना। बिजनेस प्लान आप नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते तो आपकी जो अपलाइन है वो बता देगी, आप नहीं समझा सकते तो वो समझा देगी, और आप व्यक्ति को अगर यहां लेके आ जाओगे तो हम समझा देंगे। हमको आपसे ज्यादा अनुभव हो सकता है, राइट? क्योंकि अगर हम दो दिन पहले भी आपसे ज्वाइन किए तो दो दिन ज्यादा का अनुभव मेरे पास में है, राइट? तो यहां पर हम उस चीज को समझा देंगे। बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान के बाद में आता है हमारा फॉलोअप।
भाई जो बताया वो कैसा लगा, पूछना ही तो है। जो बताया वो कैसा लगा, जो सर ने बताया था वो कैसा लगा, जो प्रोडक्ट हमने दिए थे। अच्छा, 1000-2000 के प्रोडक्ट तो यूज कर ही सकता है ना कोई भी व्यक्ति, वो जो दिए थे वो कैसे लगे, दैट्स इट। और हमें मालूम है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी उस लेवल की है कि व्यक्ति एक बार यूज करेगा तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली करेगा, राइट। उसके बाद में फॉलोअप हो गया, फॉलोअप के बाद में आपका आता है काउंसलिंग करना। आप नहीं कर सकते, अपनी अपलाइन को साथ में बिठा लीजिए, वो काउंसलिंग कर देगा। मुझे बताइए कोई ऐसा धंधा, कोई ऐसा धंधा हो कि आप कहीं दुकान लगा के बैठे हो और पास में आप किसी को बुलाते हो कि मेरी दवाई की दुकान है, तू भी यही खोल ले। अगर कोई रिश्तेदार पूछ भी ले ना, यार तेरे अच्छे, तेरे एरिया में अच्छी सेल होती है, तो हम उसको मना कर देते हैं, राइट। तो सिंपल सा काउंसलिंग करके और उसके बाद डुप्लीकेशन, जो काम हम कर रहे हैं वो काम करवाना शुरू कर दें, दैट्स इट। अब इतनी आसान, क्योंकि ज्यादा ही आसान है इसलिए नहीं होता, बहुत आसान है, बट यहां से मान लें तो आसान है। जिस दिन अपना समझ लेंगे उस दिन ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। अभी ऐसा लगता है कि हम किसी और के लिए, और ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है कि जिसको इसकी एक, वो कहते हैं ना, लत लग जाए, कीड़ा है प्लास्टिक का, मरता नहीं। जिसको इसकी आदत लग गई वो जिंदगी भर इस बिजनेस को छोड़ नहीं पाता। कीड़ा नहीं है दोस्त, उसकी समझदारी है। उसको समझ में आ गया है कि अगर काम करवाया जा सकता है तो फिर क्यों करा जाए। पहले करना होगा फिर करवाना होगा, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, काम करने वाले से ज्यादा काम करवाने वाला पैसा बनाता है। काम करने वाले से ज्यादा हमेशा काम करवाने वाला पैसा बनाता है। और मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग भर भर के क्या कर रहे हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल को, हिंदुस्तान यूनिलीवर को सदियों से आगे बढ़ाते आ रहे हैं, सदियों से, कई सालों से आगे बढ़ाते आ रहे हैं। और क्या हो रहा है, उनके बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारे नौनिहाल, उनका कोई भविष्य नहीं है। दोस्त क्या आप सही कर रहे हैं, सोचना समझना पड़ेगा। मैंने तो आज से डिसाइड कर लिया, आज नहीं होगा ना तो 10 साल बाद में एक बड़ी इनकम जो है वो जनरेट होगी, लेकिन उसका बीज आज से बोया जाएगा। आज से अगर मैंने बीज बोया और उस पर काम किया, उसको संरक्षण दिया, तो 100% वो बीज जो है बड़े वृक्ष में होगा और वो एक दिन मेरी फैमिली को छाया देगा। तो बहुत आसान प्रोसेस है, बहुत आसान है, प्लीज इसको टिपिकल नहीं बनाए। एक बार प्रोडक्ट यूज करें और जिसने यूज किया है वो अपने आप प्रोडक्ट को रिपीट में ऑर्डर डालता है। आगे वाला जमाना जो है बहुत टफ आने वाला है दोस्त, बहुत ज्यादा टफ आने वाला है। मैं आपको आज ही आगाह कर रहा हूं, बहुत ज्यादा टफ आने वाला है। अभी तो हमारे जमाने में तो कंप्यूटर ने नौकरी खाई थी, अभी रोबोट आने वाला है, और आने वाला नहीं है, आ चुका है। अच्छा, किसकी नौकरी खाई? अगर ड्राइवरलेस ट्रेन चल रही है, किसकी नौकरी गई? इंसान की। आगे अभी जैसे हम बात करते हैं, आर्मी आने वाली है, आर्मी आएगी रोबोट की, किसकी नौकरी खाएंगे? इंसान की। लेकिन एक बात तय है, एटमी से हम लोग खत्म तो होंगे नहीं। एटमी से नहाना कोई बंद नहीं करेगा, ब्रश करना कोई बंद नहीं करेगा, और ये जो दिनचर्या वाले काम है कभी कोई बंद नहीं करेगा, तो हमारा काम कभी बंद नहीं होगा। सो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।